वेलकम फ्रेंड्स, ट्रू विजडम में आपका स्वागत है। यहाँ मैं लाता हूँ हर संडे आपके लिए इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल बुक समरीज और कुछ कहानियाँ। आज एक अद्भुत कहानी से मैं पेश करने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था। उसने अपने दरबार में यह घोषणा करी कि मुझे एक ऐसा सूत्र चाहिए जो मुझे किसी भी मुसीबत से बचा सके। सभी दरबारियों को निर्देशित किया उन्होंने कि ऐसे सूत्र की खोज की जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। सभी दरबारी, सभी मंत्री खोज में लग गए और कई दिनों तक किसी के हाथ कुछ न लगा। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। दुखी हो एक मंत्री राज्य के बाहर एक जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक फकीर को देखा, एक योगी को देखा जो पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। मंत्री योगी के पास पहुंचे और अपनी समस्याओं को बताई। योगी ने कहा, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मुझे अपने महाराज के पास ले चलो। मंत्री तुरंत योगी को दरबार में ले चले और उन्होंने राजा के समक्ष पेश किया। राजा ने सहज कहा, योगी महाराज, क्या सूत्र दे सकते हैं आप? योगी ने हाथ जोड़कर अपनी पोटली में से एक अनोखी अंगूठी निकाली और राजा को पेश की। योगी ने बताया कि अंगूठी के पत्थर के पीछे एक सूत्र छिपा है, किंतु आग्रह किया कि जब आप मुसीबत में फंसें और कोई रास्ता ना बचे, तभी उस सूत्र का इस्तेमाल किया जाए, अन्यथा सूत्र काम ना करेगा। राजा ने वो अंगूठी रख ली और कई बार राजा सोचने लगे कि निकाल कर देखूं क्या सूत्र है, किंतु योगी की वो बात याद उन्हें आ जाती थी कि बिना वजह निकालने से सूत्र काम नहीं करेगा। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक बार की बात है कि राजा युद्ध के लिए गए हुए थे और उनकी सेना लगी हारने। राजा भी अपने घोड़े पर सवार जंगल की तरफ भागने लगे। उनके पीछे दुश्मन के सेनापति अपने सिपाहियों के साथ लग चुके थे। कई मील दौड़ते दौड़ते राजा का घोड़ा अचानक एक जगह रुक गया। राजा ने देखा कि आगे खाई थी। आगे गहरी खाई और चारों तरफ से सिपाहियों ने उन्हें वैसे ही घेर रखा था। उन्हें लगा अब उनकी मौत निश्चित है। अचानक राजा को उस सूत्र का ख्याल आया जो उस अंगूठी के पत्थर पे पीछे छुपा था। उन्होंने तुरंत अंगूठी के पत्थर को हटाया और सूत्र निकाला। एक छोटे से कपड़े के टुकड़े पर यह सूत्र लिखा था, यह भी बीत जाएगा। यह सूत्र लिखा था कपड़े पे, यह भी बीत जाएगा। पढ़ते ही राजा शांत हो गए। तभी दुश्मनों के घोड़े की आवाज धीमी होती सुनाई दे रही थी। दरअसल दुश्मन दूसरी ओर निकल गए थे। इस प्रकार राजा की जान बच गई। किसी तरह वो जंगल के रास्ते अपनी नगरी पहुंचे और चैन की सांस ली। इस युद्ध में राजा काफी कुछ गवा चुके थे। कई वर्ष मेहनत के बाद राजा फिर से आक्रमण करने योग्य हुए और उन्होंने अपने दुश्मन पर फिर आक्रमण किया। इस बार उनकी सेना जीती और सारी संपत्ति वापस हासिल कर ली उन्होंने। एक बार फिर उनके दरबार में
रौनक लौट आई और राजा ने अपनी दरबार को सजाया और दरबारियों को बुलाया और जलसा किया। उसी वक्त उन्हें पुनः ख्याल आया अपनी अंगूठी का और उन्होंने अपनी अंगूठी घुमाते हुए सोचा उस सूत्र के बारे में, उस छोटे से कपड़े पर लिखे सूत्र के बारे में। उस कपड़े पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ राजा मुस्कुराने लगे क्योंकि अब वो जान चुके थे जीवन का सूत्र। तो कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे इस तरह की इंस्पिरेशनल समरीज और स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।